के बहुत लंबे समय तक सिनेमा जगत के ऐसे कलाकार रहे हैं जिनके पर्दा पे आते ही आप ताली बजाते रहे हैं। आदरणीय सरानी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं। खिलाड़ी के साल से जानता हूं, बड़े बड़े नेता मैंने देखे, विधायक देखे, सांसद देखे, मंत्री देखे। 5 साल के बाद अपने गांव में आए, वोट देते मेरे को, वोट देते देते क्यों देते? 5 साल के बाद आयो हमारे सुबोध भैया, रांची में इनको सुबोध भैया बोलते हैं, बड़े प्यार से। इन्होंने पार्टी पावर में हो कि नहीं हो, 5 साल तक हर क्षेत्र में घूमते हैं, जोरदार ताली बजाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, 6 तारीख को वोट लगा तब बोलूंगा जिंदाबाद। देखिए, मैं तो राजनीति में हूं नहीं, राजनीति मेरे को आती नहीं है भैया। ये तो आपने मुझे बड़े प्रेम से बुलाया और यहां पर बुलाकर मुझे सर मेरा सम्मान नहीं किया, हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान किया। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टेलीविजन पे आप हमको देख सकते हैं, हम आपको देख नहीं सकते। तुम ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे, जूता फेर के हमको क्या मालूम। मगर ये रूबरू मुलाकात का मौका है। मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, आपने मुझे जनता के सामने खड़ा कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिनेमा के पर्दे पे हम डायलॉग बोलते हैं, जो राइटर लिख के देता बोलना पड़ता है, जो डायरेक्टर बोलता करना पड़ता। यहां पर कोई डायलॉग नहीं, कोई राइटर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, ये रूबरू मुलाकात है। अरे कलाकार के बाद बड़े बड़े बंगले हो, मोटर हो, गाड़ियां हो, स्विमिंग पूल हो, लेडिया हो, नाले हो, नौकर हो, जैसे की ताली नहीं हो या सीटें नहीं हो तो सब हंडा है, सब बेकार। बजाओ आपकी ये ताली मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करती है, इसमें कंजूसी से मत करना। सिनेमा के पर्दे पे जो राइटर लिख के देता, आपने देखा होगा 60-70 साल का हीरो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में अपनी माँ को आके बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास पास हो गया। माँ बोलती है, राजू तू स्कूल कब गया था हराम भोर। हीरो हीरोइन जंगल में फंस जाते हैं, तूफान होता है, बिजली गिरती है, बरसात, बर्फ गिरती है, एक झोपड़ी में घुस जाते हैं, रात भर रोमांटिक गाना गाते, आग जलाते, सुबह अपने हीरो ने बोलती ये मैंने क्या किया, समाज में क्या मुझे खाल था। अरे तू झोपड़ी में गए क्यों, तेरे बाप ने बोला था क्या? तो ये डायलॉग तो बोलने पड़ते हैं, मगर ये रूबरू मुलाकात है, मैं बहुत खुश हूं। इतनी शक्ल, इतनी खोपड़ियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, मगर कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है भाई। कभी बॉम्बे में, बंबई में आना, एक फिल्म सिटी है, वहां पर तरह तरह की शूटिंग होती है। एक मेरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी, फिल्म का नाम भूल भुलैया, और दूसरी तरफ शाहरुख खान की फिल्म चल रही थी ओम शांति ओम। एक पति पत्नी मेरे पास आए, 6 महीने का बच्चा,
अपनी गोद में लेके मेरे गोद में थमा दिया। बोलता है सरंग तेरी फिल्में देखी, क्या काम करता है हरामी। तो प्यार से बोला हरामी, प्यार से बोला। वो बच्चा मेरी गोद में दे दिया और बच्चे को बोलते 6 महीने का बच्चा, असरानी को देखा असरानी में छोरे में आता था। अरे मैंने कहा 6 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता, बुरे कैसे पहचानेगा। और शाहरुख खान की गाड़ी आ गई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। अरे मैंने कहा तेरा बच्चा, बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान का मिलेगा। तो कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है भाइयों, मगर एक बात यहाँ बोलता हूँ दिल की, यहाँ कोई डायलॉग नहीं कुछ नहीं। ये 2014 में ये जो आए थे बीजेपी के लोग, अरे बोले नया भारत खड़ा कर देंगे, हर आदमी को नौकरी मिलेगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, किसानों का कर्ज हट जाएगा, ये होगा, नया भारत आएगा, सबका विकास होगा, काला धन वापस आ जाएगा। एक रिक्शा वाला मुझे बोलता है यहाँ पे, हे असलानी 15 लाख ला। मैंने कहा कौन से 15 लाख? बोले तुमने बोला था जब काला धन आएगा तो 15 लाख दूंगा। अबे मैंने कहा काला धन तो भूल जा, सफेद धन लेके भाग गए, उसका क्या, वो तो लेकर आ। तो दोस्तों एक बात याद रखना, तुम लोग कमजोर नहीं हो, सोने का सिक्का है आपका वोट। 6 मई को इसको दबा के रखो। हम जो मटका खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ठोक बजा के लेते कि नहीं, 25 वर्ष नहीं हमारे राजनीति में ठोक बजा के वोट देना 6 मई को। तो ये दो दुकानें हैं, खरीदार आप हैं, एक तरफ नारे लगाने वाले हैं, जाते जाते वोटे थोड़ा बहुमत फिर से दे दे बाबा, भटकाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम से बहकाते हैं। अब हर हिंदुस्तान में सैकड़ों मंदिर है, सैकड़ों मस्जिद है, अगर आपके दिल में श्रद्धा है, हर घर में मंदिर है, हर घर में मस्जिद है, तो उखाड़ के फेंक दो 18वीं सदी में ले जाने वाले हमारे लोगों को। और दूसरी तरफ ये नौजवान लोग है, ये कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, ये गाँव गाँव में चप्पल पहन के घूमे हैं। हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव में चले जाओ, एक ने कांग्रेस मिलेगा, क्योंकि ये लोग जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक चप्पल पहन के हर गांव में गए, वो जानते हैं हिंदुस्तान की आत्मा भुलाई में रहती है।